योजना के नाम पर श्रम की लूट अब और नहीं, समय से वेतन, परमानेंट काम, वरना होगी नींद हराम। और 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं, आदि अनेक नारों के साथ उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन के बैनर तले आशाओं ने कलेक्ट्रेट और मंडलायुक्त कार्यालय पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। आशा वर्कर जिलाध्यक्ष निर्मला के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुई और यहां धरना देकर अपनी मांगों को उजागर किया। इसके पश्चात मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर अपनी एक दर्जन मांगों पर आधारित निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को संबोधित एक ज्ञापन मंडलायुक्त की गैर मौजूदगी में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी शशि कुमार को पेश किया, जिसमें कहा गया कि प्रदेश भर में आशा कर्मियों का 6 माह तक संपूर्ण मानदेय बकाया रहता है। बहुत कम प्रोत्साहन राशि में रात दिन मेहनत करने वाली आशा और आशा संघिनी भुखमरी की शिकार होती रहती हैं। लेकिन इस अल्प और अपमानजनक कथित मानदेय के भुगतान की चिंता ना एचएस को रहती है और ना ही सरकार को। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि आशा कर्मियों का संपूर्ण 6,700 और 11,000 रुपए की दर से मानदेय और अन्य कार्यों की प्रोत्साहन राशियों के भुगतान प्रक्रिया को बदला जाए। हमारी मांग यह है कि जो आशाओं के लिए 24 घंटे जो काम करती हैं उनके लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं। खुद सरकार भी इतनी समझदार है, इतनी जानती है कि 2,000 में होता क्या है सर, और 2,000 बहुत कम है। इस चीज़ को तो देखते हुए कम से कम आशाओं के लिए 21,000 तो होना चाहिए। राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो शोषण जो भी हमारे साथ भद्रता की जाती है उसे रोका जाए, आशाओं को मान सम्मान दिया जाए अपने CSC पे, PSCO पे। और आज हमारा ये चौथा प्रदर्शन है यहाँ पर, जो कमिश्नर सर को हम आज ये ज्ञापन देंगे और उसके बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे भी जाएंगे। अभी हमारी बहनें और भी आ रही हैं और आ चुकी हैं, कम से कम 50-60 आशाएँ हैं। मांग अपने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 21,000 हमें वेतन दिया जाए, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष निर्मला और सचिव नीतू के अलावा रोहदास राज कपूर, हरकिशोर सिंह एडवोकेट, विजय सिंह, मुमताज पायल, सुषमा सहित भारी संख्या में आशा वर्कर्स मौजूद रहीं।